नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस देखा होगा और हम धीरे धीरे जो है वो क्लास 11th की बायोलॉजी की ओर अग्रसर हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन शाखाओं पर आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जीव विज्ञान एवं उसकी शाखाएं। तो छात्र 10th से 11th में प्रवेश करता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है विज्ञान से। 10th क्लास में आपने विज्ञान पढ़ा होगा और आपको मालूम है कि विज्ञान क्या है। भाई, अगर कोई सवाल करे कि विज्ञान क्या है तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं आसानी के साथ कि प्रकृति का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अगर हम विज्ञान की जब बात करते हैं तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के सार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो या जानना। किसी चीज को जानना ही विज्ञान कहलाता है। कई जगह पे सार शब्द का जो एडजेक्टिव बनता है जिसको हम साइंसिया कहते हैं, साइंसिया, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसका अर्थ भी टू नो होता है, किसी चीज को जानना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञान किसी चीज को जानना ही विज्ञान कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वह ज्ञान जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों एवं अवलोकनों पर आधारित होता है विज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों एवं अवलोकनों पर आधारित होता है विज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो प्रयोग किया गया हो, जिसका अवलोकन किया गया हो, ऐसा ही ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और अधिक हम सरल भाषा में इसको कहें तो क्या, क्यों और कैसे का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस पेन को देखें तो आप सवाल कर सकते हैं कि क्या है, क्यों है और कैसे है। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो यही ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भाई, इस प्रकृति में दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, जीवित और अजैविक, जैविक और अजैविक। तो विज्ञान को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। सबसे पहले भाग में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो अजीवित है, इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस या भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अबायोटिक फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है, अजैविक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी विज्ञान कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ जाएं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है, या जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं, जीव विज्ञान भी कहते हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जीव विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीवों का अध्ययन कराने वाली शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द जो है 1801 में लेमार्क तथा ट्रेविनेरस के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा कि 1801 में लेमार्क तथा
रेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द दिया गया है। यहां पर एक बात और आपको बता दूं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस तथा लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ या जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन करना। अर्थात जीवन किस में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसे और अधिक विस्तृत रूप से परिभाषित करना है तो हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उस द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जो जीव तंत्र का भाग है या था। और हमने उसकी परिभाषा क्या दिया कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उस द्रव्य ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जो जीव तंत्र का भाग है या था। साथ ही मैंने आपको क्या बताया कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, पहली है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान और दूसरी है जूलॉजी या जंतु विज्ञान। दोनों को थोड़ा सा समझ लें। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है, बॉस्किन शब्द से हुई है और बॉस्किन शब्द का अर्थ होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स चरना। और पशु किसको चरते हैं भाई, पशु चरते हैं प्लांट को, घास फूस को। तो घास फूस को, घास फूस का अध्ययन बॉटनी कहलाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है भाई, थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं जंतु विज्ञान की बात करें, जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जून और दूसरा शब्द है लोगस। जून शब्द का अर्थ होता है एनिमल तथा लोगस शब्द का अर्थ आपको मालूम है, इसका अर्थ होता है स्टडी। अर्थात किसकी स्टडी, एनिमल की स्टडी। अर्थात बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। अगर हम जब जूलॉजी की बात करते हैं तो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई, अरस्तु है। दोस्तों चलिए अब हम कुछ ऐसी शाखाओं की बात करते हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों को कवर करता है। और देखिए सबसे पहला है टैक्सोनॉमी या जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहलाती है। वहीं पर दूसरी शाखा की अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं आकारिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य स्वरूप बाह्य आकार का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एक और शाखा देखें एनाटॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी या शारीरिकी कहलाती है। चलिए एक और शाखा देखें हिस्टोलॉजी या जिसको हम औतिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी कहलाती है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाती है। याद रखिएगा कि अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एक और शाखा देखिए इकोलॉजी।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जीव व उसके पर्यावरण का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी है भाई? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। चलिए एक और शाखा की बात करें हम, इम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणी की या भ्रूण विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है, इम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एक और शाखा की बात कर ले हम, पैलेंटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म, अब ये जंतु जीवाश्म और पादप जीवाश्म दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जीवाश्मी की कहलाती। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मी की कहलाती है। वहीं पर एक और शाखा देख ले, बायोजियोग्राफी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, बायोजियोग्राफी कहलाती है। तो यहां पर हमने कुछ शाखाओं की बात की है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? वनस्पति विज्ञान की बात करें तो एंथोलॉजी, पुष्प विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी कहलाते हैं। परागकणों का अध्ययन कराने वाली शाखा है पैलेनोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से पोमोलॉजी फल विज्ञान, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ओलेरिकल्चर, ये कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो विशुद्ध रूप से बॉटनी से जुड़ी हुई है। वहीं पर जंतु विज्ञान जूलॉजी की बात करें तो एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों का लालन पालन किया जाता है। वहीं पर सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। वहीं पर बात करें फ्रॉग कल्चर, मेंढक का लालन पालन किया जाता है। इक्टियोलॉजी मत्स्य विज्ञान, मछलियों का लालन पालन किया जाता है, मत्स्य का कल्चर किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन। हर्पेटोलॉजी सरीसृप विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ के सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। पैराजूलॉजी जूलॉजी पोरिफेरा के सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान। ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं और उनमें से कुछ शाखा विशुद्ध रूप से बॉटनी को बिलोंग करती है तो कुछ शाखाएं जूलॉजी को बिलोंग करती है। उन सभी शाखाओं का वर्णन यहाँ करना काफी मुश्किल है। यदि हम देखें तो जीव विज्ञान को एक अन्य प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, सिस्टमेटिक बायोलॉजी या जिसे हम प्योर बायोलॉजी या शुद्ध जीव विज्ञान कहते हैं, और दूसरा है एप्लाइड बायोलॉजी या व्यवहारिक जीव विज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिस्टमेटिक बायोलॉजी या शुद्ध जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का विकास क्रम के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का विकास क्रम के आधार पर अध्ययन किया जाता है, सिस्टमिक बायोलॉजी या प्योर बायोलॉजी या शुद्ध जीव विज्ञान कहलाती है। इसके अंतर्गत आने वाली शाखाओं में एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोजियोग्राफी जैसी बहुत सारी शाखाएं शामिल है। वहीं पर हम दूसरी तरफ चले एप्लाइड बायोलॉजी की बात करें, व्यवहारिक जीव विज्ञान की बात करें, तो जो व्यवहार में यूज होने वाली जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए लाभदायक जीवों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के लिए लाभदायक जीवों का अध्ययन किया जाता है, एप्लाइड बायोलॉजी या व्यवहारिक जीव विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत आने वाली शाखाओं में जैसे एपिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्रॉग कल्चर, इक्टियोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसी जीव विज्ञान की शाखाएं शामिल है। तो दोस्तों, आपने प्योर बायोलॉजी और एप्लाइड बायोलॉजी दोनों के बीच में अंतर समझ लिया होगा। उम्मीद करूंगा कि यहां पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।